पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी से नाराज अरब के प्रिंस नुपुर शर्मा पर एक्शन के बाद किया ये ट्वीट। नमस्कार आदाब, मैं हूँ हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद खासा नाराज दिखे। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को तलब कर शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा कई देशों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति प्रकट कर भारतीय राजदूतों को तलब कर नाराजगी प्रकट की। इतना ही नहीं, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और ईरान जैसे देशों ने भी भारतीय राजदूतों के समक्ष उनके बयान पर आपत्ति दर्ज कराए गए। इस्लामिक देशों की नाराजगी के बाद ही भाजपा ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्रवाई के बाद सऊदी के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में कहा गया कि भारत के सत्ताधारी दल भाजपा की प्रवक्ता की ओर से पैगम्बर मोहम्मद का अपमान करने वाली टिप्पणी की हम कड़ी निंदा करते हैं। इससे पता चलता है कि उनका इस्लाम के प्रतीकों को लेकर कैसा पूर्वाग्रह रहा है। हालांकि इसके अलावा सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से लिखा गया कि हम भारत की कार्रवाई का भी स्वागत करते हैं, जिसके तहत प्रवक्ता को उनके पद से हटा दिया गया है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ये संकल्प दोहराते हैं कि सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पूर्व जब भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो इसका असर सीमा पर खाड़ी और अरब देशों में देखा गया। ओमान के मुख्य मुफ्ती अहमद अल खलीली ने मुस्लिम देशों के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों से इसका प्रतिकार करने के लिए उठ खड़ा होने की अपील की। खाड़ी देशों में इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की गई। इसी बीच गेहूं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मची मारामारी के बीच जब तुर्की के बाद मिस्र ने भारतीय गेहूं को दूसरा कारण गिराते हुए स्वीकार करने से मना कर लिया, तब सरकार हरकत में आई। दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर भाजपा नेतृत्व ने भविष्य के लिए एक लकीर खींच दी है। कार्रवाई का संदेश साफ है, नेताओं को दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने से परहेज बरतना होगा। ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी होगी जिससे दूसरे धर्म की आस्था, सम्मान और विश्वास को ठेस पहुंचता हो। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।